Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got... Hello everyone, welcome back to my new vlog. तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं और आज हमारा है पिकनिक पे जाने का प्लान। तो आज हमारे साथ जा रहे हैं हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं उनकी पूरी फैमिली और हमारी फैमिली। केवल पापा नहीं जा रहे क्योंकि पापा ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर बैनीताल एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे ये देखो, ये काकू लोग हैं, काकू और काव्या, ये जा रहे हैं शादी में अपने भैया की। तो इन ये जा रहे हैं रुद्रप्रयाग और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए बैनीताल। तो अब आपको डायरेक्ट अब गाड़ी में मिलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और फटाफट चलते हैं सिमली वाली रोड पर। और हम पहुंच गए हैं सुभाष नगर बैंड पे, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सिमली। और अभी हम सिमली पहुंच चुके हैं और फटाफट चलते हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कि हमारे साथ कौन कौन आ रहे हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे। तो उस सिमली पेट्रोल पंप पे लग चुका है जाम, हमारे आगे भी और हमारे पीछे भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे से लेंगे लेफ्ट टर्न और आज हमारे साथ जा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तीन तीन गाड़ियाँ भर के जा रहे हैं हम। और आज के इस पिकनिक में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और धीरे धीरे मैं आपको सारे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता रहूँगा। तो अभी हमने लगभग 10-15 मिनट से हम आगे चल रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ धीरे धीरे जंगल दिखने लग गया है, चीड़ का जंगल है। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो और भी अलग अलग नज़ारे हमको दिखते रहेंगे। तो अभी हम जंगलों के बीच से जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी ज़्यादा हरियाली है और शांति भी है यहाँ। तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सारे के सारे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो एक गाड़ी हमारी वो आगे टर्न पे जा रही है और एक हमारे आगे है और एक जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो तीन तीन गाड़ियां भर के जा रहे हैं हम सब लोग पिकनिक मनाने के लिए और खूब ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी हम देखो चीड़ के जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है हमको, सच में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पेड़ भी चेंज होते जा रहे हैं, अभी तक चीड़ के पेड़ आ रहे थे, अब देखते देखते हमको कुछ कुछ बांज के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो अब देख रहे होंगे आप ये कुछ कुछ हमें बांज के बुरांस के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, फिर भी हम धूल उड़ाते हुए जा ही रहे हैं क्योंकि हम पूरा रास्ता इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और देख रहे होंगे आप एक साइड पूरी खाई है और एक साइड पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं और रोड भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, सामने से गाड़ी आ रही है तो पास देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पर फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं इस पूरी ट्रिप को। तो अभी ये देख सकते हो आप पीछे, देखो कितनी ज़्यादा हाइट पर आ गए हैं हम लोग, अभी हमको और ज़्यादा हाइट पे जाना है। अभी यहाँ पे रोड टूटी हुई है, बरसात के टाइम पे रोड धसी हुई होगी तो यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक गाड़ी अभी निकल चुकी है, अब हमारे आगे से एक और गाड़ी है तो ये वाली जाएगी अब, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो देख सकते होंगे आप ये बरसात में नाले आते हैं ना, तो उसके कारण ये रोड पूरी धसी हुई है यहाँ पे से और कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो अब हम धीरे धीरे बैनीताल के और नज़दीक आने वाले हैं, तो आप देख ही रहोगे यहाँ के कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ होटल और होम स्टे आने वाला है,
तो आप लोग यहाँ रुक भी सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ होटल और होम स्टे, और ये लोग यहाँ पे रुक चुके हैं हमारे साथ के एक गाड़ी, और एक अभी भी हमारा आ गया है, तो वो गाड़ी भी रुक चुकी है। अभी क्या है आगे, तो आगे दिख रही है एक बहुत ही बड़ी भैंस, तो आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी भैंस है, तो कभी भी अगर आपको ऐसे कोई जानवर दिखे तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो डर के आप पे अटैक भी कर सकता है। तो आप देख सकते होंगे बहुत ही बड़ी है सच में, तो इसलिए अभी हम रुक चुके हैं, पहले इसको जाने देंगे फिर हम जाएंगे। गाड़ियाँ बहुत कम देखते हैं ना, ये डर जाते हैं तो डर के तब सींग विंग उठा देते हैं। तो अभी भैंस चले गई है अपने घर, और हम अपने ट्रिप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमें अब जल्दी से जल्दी जाना है बैनीताल और खाना भी बनाना है, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो आपको रास्ते में बैनीताल के रास्ते में गायें मिलने वाली है, गाय भैंस वगैरह, और ये छोटे छोटे बरसाती नाले, केवल बरसात के टाइम पर इनमें पानी आता है और टाइम पर ये सूखे हुए होते हैं। तो आप देख सकते होंगे अभी हमें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। अभी हमारे सामने एक और बरसाती नाला दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर आए हैं, और ये सारे पत्थर बरसात के टाइम पर आए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये, और हमारे साथ की एक गाड़ी अभी भी पीछे ही है, और अभी हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे से हमें अभी पानी भी ले जाना है खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर एकदम शुद्ध ठंडा पानी आता है। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे और पानी भरेंगे, तो आपको ये भी दिखाएंगे कि ये अंडरग्राउंड पानी नेचुरल सोर्स से आ रहा है पानी, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये। यहाँ पे हम पानी भर रहे हैं और ये ठंडा पानी है, और धूल से सारे कपड़े गंदे हो गए। हेलो, कैसा रहा सफर? अच्छा, बहुत ही अच्छा, खतरनाक डेंजर। तो अभी एक गाड़ी आई नहीं, हम उनका वेट कर रहे हैं, और यहाँ पानी भर रहे हैं, और आज हम खाना भी ऊपर ही बनाएंगे। भौमिक सर, सुपर चिल, आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, अच्छा था सब। अभी हमने पानी भर लिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है तीसरी गाड़ी, तो ये है बौद्धी लोगों की गाड़ी, और हमारे आगे चल रही है संजू चाचा लोगों की नई कार किया सेल्टोस, और जिसमें हम बैठे हैं ये भी उन्हीं की पुरानी सेंट्रो है। तो वो हमको आज बैनीताल में पिकनिक पे ले जा रहे हैं, मतलब उनका प्लान था, और उनके जो भैया हैं वो भी आए हुए हैं घर, तो सब ने मिलके प्लान बनाया है। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब सड़क है ये, और काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ी है इस सड़क पे, देख रहे होंगे आप। और सामने पहाड़ पे हमें दिख रहे हैं, देखो सीढ़ीदार खेत, सीढ़ी नुमा खेत। तो ये है सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी की तरफ बनाए गए हैं, पहाड़ में ऐसे खेत होते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंचने ही वाले हैं बैनीताल, और जो ये नज़ारा देख रहे हो आप, तो ये पूरा बैनीताल में आता है, और आपको धीरे धीरे ऊपर का जो ये पहाड़ दिख रहा है, तो ये पूरा बैनीताल है। और इतने देर के बाद हम पहुंचने वाले हैं बैनीताल, इतनी ख़राब सड़क और धूल के बाद, और एक गाड़ी वो पीछे है और एक गाड़ी हमारे आगे चल रही है। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया व्यू है,
और उतरने के बाद मैं आपको यहाँ के सारे व्यू दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो वो बादल सामने, तो ये देखो ये यहाँ का सबसे प्यारा व्यू लगता है मुझे और सभी लोगों को लगता है। तो बस थोड़ा सा ही रह गया है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बैनीताल में। मतलब अभी भी हम बैनीताल में हैं पर थोड़ा सा रास्ता और रह गया है, यहाँ पे से हमको दिखाई देने लग जाता है बैनीताल ऊपर टॉप पे। तो अब हम सबसे टॉप पे आ जाएंगे और वहाँ का जो व्यू है तो वो बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो अब यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक बुग्याल टाइप का है, तो यही है बैनीताल। और यहाँ गायें वगैरह भी बहुत चरती है लोगों की, गाय भैंस वगैरह, तो यहीं के लोकल लोगों की है। तो दिख रहा होगा आपको धीरे धीरे यहाँ ऊपर, तो ये पूरा बैनीताल का बुग्याल है। तो यहाँ हम पिकनिक मनाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ, तो ये नहीं पता है लोगों को पर यहाँ के लोकल लोगों को पता है कि यहाँ पिकनिक स्पॉट है। तो देखो वहाँ ऊपर गाड़ियाँ भी दिख रही है, लोग भी दिख रहे हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और ये आ गई है तीसरी गाड़ी। तो फाइनली हम सब के सब पहुंच चुके हैं एक साथ बैनीताल में। तो अभी हम पहुंच गए हैं बैनीताल और यहाँ पे अब हम गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं और ये है हमारी तीनों गाड़ियाँ। तो अभी सब खाना बनाने के लिए सामान लेके जा रहे हैं और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क कर ली है और सब लेके जा रहे हैं। और मेरे पास भी पतीले हैं और पानी गैस सब लेके जा रहे हैं हम। ये देखो चटाई भी है, पतीले भी हैं। और ये कौन है? ये तो आपने लगाए क्यों नहीं यहाँ पेड़? मेरे को बीज नहीं लाया, कहाँ से लगाऊंगा? अरे दादी से लेते हैं। लेकिन देश की बनाने आ रहा बेटे, मैं भी बनाऊंगा। बनाते हैं वो, सिर्फ बनाते हैं, डालते नहीं है। रोटी करते हैं, इसको करोगे, इसको करोगे। सर यहाँ के पिक्स जो आते हैं ना, तो धूल से दाढ़ी पूरी सफेद हो गई और धूल बहुत ज्यादा है, कैमरे पे भी धूल लग गई। और ये पीछे है ताल। तो हम पहुंच गए हैं बैनीताल और ये देखिए ये सामान है, इसको ऊपर चोटी पे लेके जाना है। सब आगे निकल गए तो अब हम भी चलते हैं। तो भाई ये है मानव। हेलो, इसका भी एक चैनल है यूट्यूब में मानव मनी के नाम से। मानव मनी के नाम से। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसके चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो आप भी अपने चैनल का नाम बता दो। गाइज मेरे चैनल का नाम है बौद्धी श्री NR ब्लॉग्स। तो मैं भी अभी ज़्यादा नया नया, पुराना नहीं हूँ, नया नया ब्लॉगर हूँ। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे हम दोनों को। तो आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन वीडियोस इसी तरह से जैसे आप ये की रहे होंगे। और ये है बैनीताल का एक खूबसूरत नज़ारा जो आपने बहुत कम देखा होगा। और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे पहाड़ और गांव हैं।
और ये पूरा हरा भरा जंगल है और हम बुग्याल में हैं अभी और यहाँ पे अभी सभी लोग सामान निकाल रहे हैं। ये है भट्टी, यहाँ पे देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं ये भी, और यहाँ पे बनेगा हमारा खाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गायें चर रही है और वो सामने है गांव और वो खेत दिख रहे हैं और ये नीचे है दलदल, तो ये पूरा दलदल है तो यहाँ जाना बिल्कुल मना है। और कहते हैं कि यहाँ कई गाड़ियाँ डूबी है इस दलदल में रात के टाइम, क्योंकि पता नहीं चला होगा, तो ऐसा हमने भी सुना है, हमने देखा तो नहीं पर हमने भी सुना है, लोग कहते हैं ऐसा। और ये है बैनीताल का गेस्ट हाउस, यहाँ बैनीताल के जो मैनेजर हैं जो बैनीताल की देखभाल करते हैं तो वो रहते हैं यहाँ पे। बड़े से फील्ड के सामने ना ये पूरा और ये गायें चावल की खुशबू सुन के आ रही है, तो इनको भगाना पड़ेगा नहीं तो ये हमारा सारा खाना खा जाएंगे, तो इनको अभी भगा रहे हैं। और इधर उधर देख सकते हो आप कितनी सारी गायें चरती हैं यहाँ, और यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है, सब खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो अभी खाना बन चुका है और यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, ये थालियों में चावल रखा है, तो खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी धीरे धीरे सनसेट होने वाला है और अब हम निकल रहे हैं अपने अपने घरों के लिए, तो आप देख सकते होंगे धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।